आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक नहीं, तेरे मुताबिक मीडिया को आजादी की जरूरत। जी हाँ, ठीक है, ठीक। और अगर मीडिया आजाद हो गया तो ये जो चैनल के मालिकान हैं ये मकबूता हो जाएंगे। आप समझ नहीं सकते, आप लोग बच्चे हैं अभी। हुकूमत की ये पॉलिसी है कि हम भी चलें, तुम भी चलो, चलती रहे जिंदगी। भाई किसी भी मुल्क में अदलिया और मीडिया दोनों को आज़ाद होना चाहिए। हाँ तो भाई तुम कर लो, तुम अगर करवा सकते हो तो तुम कर लो, हुकूमत के बस का तो नहीं। मोहतरम जी, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, है? पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है जी। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। हाँ वकार, सलाम अलैकुम भाई। कुछ पता चला तुम्हें? पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है। जी जी, अनवर मकसूद ने अभी बताया है। बंद करें आप। मैं करता हूँ बंद। आप फोन बंद। नहीं नहीं, मेरे एक दो और बात अजीज वकारिब हैं, मैं उनको भी जब बता दूँ। आपने कितनी अच्छी बात की है और मैं इसे सिर्फ अपने तक महदूद रखूँ, ये तो बहुत अजीब बात है। हेलो पुतन मियाँ, अस्सलाम वालेकुम, हम बोल रहे हैं। पता चला तुम्हें कुछ? हाँ, पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है भाई, अनवर मकसूद भाई ने बताया। आप इसको बंद करें फोन को। अच्छा, वो इसमें नाराज हो रहे हैं। चलो ठीक है, ये फैला दो, तुम जितने लोगों को कॉल कर सकते हो करके इन्फॉर्म कर दो, हमें हमारा फर्ज है कि हम बताएं लोगों को। वाह वाह वाह, मेरी तबीयत खुश कर दी, बहुत दिनों से पट्टे चढ़े हुए थे, आज अच्छा कर दिया, रिलैक्स कर दिया तुमने मेरी मसल। ये कह के पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, वेरी गुड। आपको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है? अरे भाई, जो मुल्क कश्मीर को आज़ाद करवाना की फिक्र में हो वो मुल्क खुद कैसे आज़ाद हो सकता है? आपकी सोच मेरी समझ से बाहर है। अगर मेरी सोच तुम्हारे समझ के अंदर आ गई ना, तो फिर तुम नॉर्मल गुफ्तगू करोगे। यू विल बी नॉर्मल।